शब्दों के हेर फेर का मजा लीजिए, यूँ देख कर न मुस्कुराइए, मुस्कुरा कर देखिए। नमस्कार, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट के इस अध्याय में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करेंट लूप निकालेंगे, और इसको निकालने के पहले दो बातें मैं आपसे कह दूँ कि सबसे पहले आज के क्लास में विजुअलाइजेशन ज़्यादा चाहिए, और दूसरी बात हमको पहले से इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आई इंटू ए या एन आई इंटू ए होता है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर का डायरेक्शन एरिया वेक्टर की तरफ होता है। इसको जो लूप है, ये येलो जो मार्क है उसको लूप मान लेते हैं, करेंट लूप। रेक्टेंगुलर ही लेकर के चलते हैं, ऐसे किसी भी शेप का ले सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगुलर से ऑब्टेन करना आसान होगा, बाद में रिजल्ट को जनरलाइज कर दिया जाएगा। उस लूप को येलो फ्रेम से दिखाया, और ये जो हैंडल है ग्रीन कलर का, इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन समझ लीजिए। अब देखिए, पहली बार में मैंने कोशिश की है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो आपको प्लेन के पैरेलल हो। ओके, इसी ओरिएंटेशन में भी बात करेंगे। अब ऐसे केस में मैंने दिखाया है यहाँ पर कि व्हेन करेंट लूप इज पैरेलल टू बी, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, बी वेक्टर यहाँ दिखा दिया, एक करेंट लूप से करेंट आई कैरी कर रहा है जो घूम करके यहाँ वापस एग्जिट होगा। लूप रेक्टेंगुलर है, पी क्यू आर और एस इसका साइड, एक साइड से इसका लेंथ एल मान लिया, दूसरे साइड से आपने लेंथ बी मान लिया। अब चलिए सबसे पहले डिफरेंट आर्म पे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि फोर्सेस कितने वर्क करेंगे। एक बार आर्म पी क्यू पे फोर्स F1 बोलते हैं, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है F1, ओके, उसके लिए एक्सप्रेशन जो होगा आई एल, क्योंकि यहाँ का लेंथ एल है, इंटू मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बी है, एंड साइन, ओके, आप देख सकते हैं जो करेंट है उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड का एंगल यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ आप साइन 90 लिख दीजिए। ओके, ऑब्वियसली ये आई एल इंटू बी के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली अभी क्यू आर आर्म को छोड़ करके सीधे आर एस आर्म पर आते हैं, इसके फोर्स को हम F2 बोल रहे हैं, और यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड की बात करें तो करंट वही जा रहा है, लेंथ बराबर होगा रेक्टेंगल के अपोजिट साइड का, मैग्नेटिक फील्ड भी, साइन एंगल क्या है 90 वहाँ भी होगा, इज इक्वल टू आई एल और बी हो जाएगा। चलिए आर्म क्यू आर पे जो फोर्स है F3 माने हैं, ओके, यहाँ से अगर आप देखें तो आपको आई एल इंटू एल नहीं, यहाँ पर एल नहीं लिखना होगा क्योंकि साइड का लेंथ आपने बी माना है, तो यहाँ पर आई बी इंटू कैपिटल बी इंटू साइन, देखिए एंगल यहाँ पर जीरो होगा, दैट इज इक्वल टू जीरो। और नेक्स्ट वाले एंड में फिर से आई बी कैपिटल बी साइन, यहाँ आप जीरो या 180 लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो साफ दिख रहा है कि दो आर्म पी क्यू और आर एस पे फोर्स लग रहा है, और क्यू आर और एस पी पे फोर्स नहीं लग रहा है। ओके, फिर भी नेट फोर्स जब निकालने की बारी आएगी, ओके, तो एफ नेट आप F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 करेंगे। यहाँ पर आपके पास ये वेक्टर नोटेशन में होना चाहिए, चलिए इसको वेक्टर फॉर्म में कर लिया। वेक्टर फॉर्म में करने के बाद अब चूँकि F3 और F4 तो नहीं है, F1 और F2 के डायरेक्शन की बात करनी होगी। ओके, F1 और F2 के डायरेक्शन की बात करने के लिए हमको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करना होगा। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ इंडेक्स फिंगर, करंट के तरफ आपका मिडिल फिंगर, और थंब जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो फोर्स, ये थंब जो है इनवर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर जो फोर्स के डायरेक्शन की बात होगी F1 इनवर्ड काम करेगा। सिमिलरली अगर दूसरे आर्म पे आर एस आर्म पे भी फोर्स निकाल लें तो हमको सहूलियत होगी। आर एस आर्म पे फोर्स निकालने के लिए करंट घूम करके ऐसे आ रहा है और यहाँ से एग्जिट कर रहा है, तो करंट के डायरेक्शन में मिडिल फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड में इंडेक्स फिंगर, और ये जो थंब है वो फोर्स बताएगा। तो यहाँ पर जो फोर्स आपको काम कर रहा है ये आउटवर्ड, हमने पहले वाले लेक्चर में बताया था कि कोई भी क्वांटिटी को इनवर्ड बताना है तो क्रॉस से बता दीजिए, कोई भी क्वांटिटी को अगर आउटवर्ड बताना है तो डॉट से बता दीजिए, तो आपने बता दिया। ओके, अब चलिए यहाँ पर अगर एफ नेट लिखने की बात आती है मैग्नीट्यूड में, तो
तो मैग्नीट्यूड में आपका F1 का डायरेक्शन अगर इनवर्ड को पॉजिटिव ले लेते हैं तो F2 का डायरेक्शन आउटवर्ड को नेगेटिव लेंगे, और इस हिसाब से इधर तो सब जीरो है। ओके, यहाँ पर वैल्यू पुट भी कर दिए, एक का ILV दूसरे का भी ILV, तो दैट इज इक्वल टू जीरो। यानी यहाँ पर इस लूप में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। अगर फोर्स नहीं लग रहा है तो फोर्स नहीं लगने के कारण इस सिस्टम का ट्रांसलेशन नहीं होगा, यह ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा, यानी लीनियर मोशन नहीं होगा। लीनियर मोशन नहीं होना इस बात की गारंटी नहीं है कि वहाँ पर और दूसरा कोई मोशन नहीं होगा। दूसरा आपको चेक भी करना है, मैंने बताया कि इस पे दोनों आर्म पे, ओके, ये जो आपने लूप लिया है इसके दोनों आर्म, ये वाले और ये वाले दोनों आर्म पे इक्वल फोर्स लग रहा है। तो इक्वल फोर्स लगने के बाद भी ट्रांसलेशन तो नहीं हुआ, लेकिन इसमें इनवर्ड फोर्स लग रहा है, इसमें आउटवर्ड फोर्स लग रहा है, तो कपल प्रोड्यूस होगा, और कपल प्रोड्यूस होने के कारण ये रोटेट करना शुरू होगा, और अगर रोटेशन हो रहा है तो डेफिनेटली वहाँ पर एक टॉर्क होगा। ओके, तो अब बात आएगी कि टॉर्क को कैलकुलेट कर लिया जाए और आगे बढ़ा जाए। ओके, टॉर्क को कैलकुलेट करने के लिए, ओके, आपको सबसे पहले टॉर्क का जो फॉर्मूला है वो लिख लेना चाहिए। टॉर्क हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स होता है। ओके, डायग्राम को फिर से रीड्रॉ करते हैं। डायग्राम को रीड्रॉ करने के लिए एक एंड जहां पर F1 मार्क किया है उसको ले लीजिए, ये F1। दूसरा एंड जहां पर आपने F2 मार्क किया है उसको ले लीजिए। यहां दोनों एंड के बीच का डिस्टेंस आपको दिख गया कितना है, कैप बी है, और इसके मिडिल पॉइंट से इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन से आप दोनों फोर्सेस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लीजिए, क्योंकि ये मिड से पास होगा इसीलिए ये डिस्टेंस b/2 होगा और ये भी डिस्टेंस b/2 होगा। नेट टॉर्क की बात कर रहे थे, टाउ सिंबल से डिनोट करेंगे। यहाँ पर दो टॉर्क लगेंगे क्योंकि दो फोर्सेस हैं, एक tau1 और दूसरा tau2। आप सोच सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर प्लस क्यों किया, माइनस क्यों नहीं किया? तो आप देखिएगा, दोनों टॉर्क जो प्रोड्यूस होगा उसका नेचर या तो क्लॉकवाइज और नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज। अगर दोनों क्लॉकवाइज है तब भी प्लस करेंगे, दोनों एंटी क्लॉकवाइज है तब भी प्लस करेंगे, अगर एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है तो ऐसे केस में हम सब ट्रैक करेंगे। यहाँ चेक करके देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ओके, अब tau1 की बात करें तो पहला परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, b/2 है, और फोर्स कितना है, F1 है। प्लस tau2 की बात करेंगे तो दूसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस b/2 और फोर्स कितना है, F2 है। एक काम कर लीजिए, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लीजिए। वैल्यूज जब पुट कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, b/2 ILB प्लस b/2 ILB इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर लीजिए, ILB इंटू कैपिटल B। ओके, लेंथ इंटू ब्रेथ इस रेक्टेंगुलर लूप का एरिया हो जाएगा, तो आप यहां से I into A into B लिख सकते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि I into A को हम कैपिटल M मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लिखेंगे, तो टॉर्क हमारा ये आ गया। ओके, एक एक्सप्रेशन हमारा यहां तक कंप्लीट हो चुका है। थोड़े से आगे की बात कर लें, अगर हम चाहेंगे तो इसको MB sin 90 लिख सकते हैं, क्योंकि sin 90 1 होता है। अब sin 90 कहाँ से आया उसकी बात थोड़ी देर में कर लेते हैं। यानी इसको हम MB कोई एंगल sin के साथ है तो उसको sin θ भी लिख लीजिए फिलहाल। ओके, जब ऐसा लिख लेंगे तो ऑटोमेटिकली अगर टॉर्क वेक्टर लिखना होगा तो टॉर्क वेक्टर के फॉर्म में है ना हमारे पास M vector x B vector आ जाएगा। चलिए एंगल की बात करें, है ना, यहाँ पर थीटा या साइन 90 कहाँ से लिया, तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये ग्रीन वाला फ्रेम बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से, और ये येलो जो फ्रेम है वो आप साइड ले लीजिए जिससे करंट पास कर रहा है। अब यहाँ पर बात आती है कि एरिया वेक्टर किधर होगा। ओके,
तो देखिए एरिया वेक्टर इस सरफेस के नॉर्मल होगा। इस सरफेस के नॉर्मल एरिया वेक्टर को डिनोट करने के लिए हमने इस पेन का हेल्प ले लिया, ये इस तरह से कुछ दिखेगा। ओके, अब ये एरिया वेक्टर आप जैसे जैसे लूप घुमाएंगे वैसे वैसे टर्न करता जाएगा। ओके, आप जहाँ चाहें एरिया वेक्टर को घुमा सकते हैं। फिलहाल ओरिएंटेशन अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से हो, प्लेन के पैरेलल हो, तो एरिया वेक्टर के साथ ये एंगल आपको एग्जैक्ट दिख रहा होगा, ये 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री है इसीलिए हमने यहाँ पर साइन 90 लिखा और थीटा लिखा। तो ये जो थीटा एंगल हमने लिया है वो प्लेन के साथ नहीं है, ठीक है। जहाँ पर थीटा जो है बेसिकली है ना, यहाँ थीटा ये एंगल है ऑफ किसका, एरिया वेक्टर विथ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। अभी कभी कभी ज़रूरत होती है प्लेन के साथ एंगल की, तो हम लोग अगर एंगल लेना है एंगल ऑफ बी वेक्टर विथ प्लेन, इसको अल्फा मान लेंगे। ओके, हमारे पास दो एंगल मिले, एक थीटा दूसरा अल्फा। ओके, यहाँ प्लेन के साथ जो अल्फा एंगल है वो जीरो है क्योंकि प्लेन के पैरेलल है, और एरिया वेक्टर के साथ जो एंगल है वो 90 है क्योंकि एरिया वेक्टर के साथ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। इसके हिसाब से अगर हम यहाँ पर अल्फा प्लस थीटा करें तो देखिए आपको 90 डिग्री मिलेगा। एक बार इसको याद रखिएगा, ये आगे भी काम आएगा, है ना। यहाँ पर एक पार्ट में हमने समझा दिया। यहाँ पर आपको जो ओरिएंटेशन हमने रखा वो ओरिएंटेशन बेसिकली एक ओरिएंटेशन था, हम लोग इसको दूसरे ओरिएंटेशन में भी रख सकते हैं। दूसरे ओरिएंटेशन में देखना होगा कि क्या होता है। अभी हम थोड़ा सा डायग्राम को टिल्ट करते हैं अपनी सुविधा के लिए, और साथ ही साथ ये भी देखने के लिए कि अगर ओरिएंटेशन को चेंज करें तो क्या होगा। ओरिएंटेशन को चेंज करने पर क्या होगा इसको देखने के लिए डायग्राम को मैंने थोड़े से एंगल से टिल्ट कर दिया यहाँ पर, और जब यहाँ टिल्ट हुआ तो यहाँ भी थोड़ा सा हमको चेंज कर लेना होगा डायग्राम। डायग्राम फिर से कैसे हो रहा है ये समझाएंगे आपको। एक बार वापस यहाँ पर एक एंड से करंट दूसरे एंड से एग्जिट कर रहा है, वही करंट जो पहले था। लेंथ अभी आप यहाँ से यहाँ तक को L मान लीजिए, और ये जो ये था लेंथ इसको B मान लीजिए फिलहाल के लिए। ओके, अभी करंट लूप पैरेलल नहीं है, है ना। करंट लूप इज मेकिंग एन एंगल विथ बी, मतलब उसका प्लेन एक एंगल बना रहा है। एंगल इसको मान लीजिए कि अल्फा है। ओके, जैसा पहले भी मान रहे थे। अभी सेकंड वाले केस में थोड़ा सा फोर्स पे पहले ये करते हैं फिर आगे बढ़ जाएंगे। सबसे पहले हम फोर्स F1 की बात करें, कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ना करंट चेंज हुआ है, ना लेंथ चेंज हुआ है, ना मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ है, और ना ही वो एंगल चेंज हुआ है जो करंट के साथ मैग्नेटिक फील्ड का था। ओके, तो ये फोर्स आपको फिर से ILB ही मिलेगा। दूसरे आर्म दैट इज RS आर्म पे जब हम निकालने चले तो RS आर्म पे भी आपने देखा फिर से फोर्स वही रहेगा, डायरेक्शन में भी कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे कि आप अप्लाई कर सकते हो मैग्नेटिक फील्ड, करंट का डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन, इस पॉइंट पे वो आपको आउटवर्ड मिलेगा और इस पॉइंट पे इनवर्ड मिलेगा। ओके, इसको भी मार्क कर लेते हैं अपने पोजीशन के हिसाब से यहाँ पर। ओके, चलिए ये तो वर्क हो गया हमारा। अब बात आती है एरिया वेक्टर का। ओके, जब आप मैग्नेटिक फील्ड इसको माने थे और अब मैग्नेटिक फील्ड के साथ प्लेन को आप एंगल पे ला रहे हैं कुछ इस तरह से, ऐसा एंगल। अब देखिए इस केस में आपका एरिया वेक्टर कहाँ होगा इस लूप का, और उस केस में क्या होगा। ये आपका एरिया वेक्टर था, अब देखिए ये ओरिएंटेशन। ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड ग्रीन वाला और ये रेड वाला पेन जो है वो आपको एरिया वेक्टर बता रहा है, और येलो वाला जो बॉर्डर है वो बेसिकली रेक्टेंगुलर लूप का प्लेन बता रहा है। तो ये जो येलो और ग्रीन के बीच का एंगल है वो अल्फा है, और रेड पेन और ग्रीन
बॉर्डर के बीच का जो पेन है एंगल है वो एंगल आपको थीटा है। वंस अगेन आप देख लीजिए एंगल अभी भी थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90 ही रहा। तो यहाँ पर हम लोग एंगल की बात करते हैं तो एंगल यहाँ पर थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90 फिर से प्रूव हो गया, ज़रूरत होगी फिर यूज कर लेंगे। अब रही बात फोर्सेस की, ओके जब आप इस ओरिएंटेशन में रखेंगे, ओके ऐसे एंगल बनाते हुए मैग्नेटिक फील्ड का, तो 0 डिग्री बन रहा है यहाँ भी, और अगर दूसरे एंड पे जा करके भी देखें तो मैग्नेटिक फील्ड तो उसी तरह से था, वहाँ भी एंगल आपको फिर पैरेलल वाली बात है, यानी उस आर्म पे वंस अगेन आपको फोर्स जीरो मिलेगा, इसीलिए F3 और F4 दोनों को आपने जीरो कर लिया। अब देखिए आप जब यहाँ तक आ गए तो नेट फोर्स फिर से जीरो हो गया। नेट फोर्स जीरो होना मैंने बताया था कि जब नेट फोर्स जीरो हो जाए इसका मतलब आप मान के चलिए कि ट्रांसलेशन नहीं होगा लेकिन रोटेशन तो होगा, और अगर रोटेशन हो रहा है तो डेफिनेटली है कि वहाँ पर टॉर्क काम करेगा, और अब टॉर्क कैलकुलेशन की बात आएगी। ओके फिर से वही डायग्राम वापस हम ड्रॉ करने की बात करते हैं। हमने ये फोर्स का जो मार्क किया है, यहाँ पर आपका F2 था थोड़ा सा इंक्लाइन पोजीशन पे, यहाँ पर F1 था। ओके अभी एक्सिस की बात करें, ये आपको इसके मिड पॉइंट से पास होगा, ये एक्सिस हो गया क्योंकि रोटेशन के लिए एक्सिस का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हाफ ऑफ दी बी हो जाएगा, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक भी हाफ ऑफ दी बी हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड जो आप रेड पेन से दिखा रहे थे, और मैग्नेटिक फील्ड एज इट इज आपको इस तरह से ये बी का डायरेक्शन हो गया। एरिया वेक्टर अगर यहाँ पर दिखाना हो तो एरिया वेक्टर को इसके साथ इस तरह से दिखा सकते हैं, जो आपके पास एरिया वेक्टर है, और एरिया वेक्टर को अगर आई से मल्टीप्लाई कर दिया तो एम वेक्टर मिल गया। ओके तो इस तरफ आपका एक डायरेक्शन मिलेगा, दैट इज क्या इस तरफ आपको एक डायरेक्शन मिलेगा एरिया वेक्टर का, ये ले लेते हैं। तो हमारा एरिया वेक्टर या एम का डायरेक्शन भी बता सकते हैं जो कि आई इंटू ए वेक्टर के बराबर है। मैंने डायग्राम वहाँ से हटा करके यहाँ लिया है ताकि आपको सुविधा हो। ये जो एंगल है इसको आपने थीटा माना है पिछले केस में, जैसा थीटा दिख रहा है। अभी आप एक काम कीजिए, यहाँ से ज्वाइन कीजिए। आप बोल सकते हैं आपकि यहाँ से ज्वाइन क्यों नहीं करेंगे, तो टॉर्क कैलकुलेट करने में जो डिस्टेंस चाहिए परपेंडिकुलर वो बेसिकली एक्सिस से चाहिए, और ये डॉटेड लाइन से आपने एक्सिस को दिखाया है। तो उस हिसाब से अगर ये एंगल थीटा है, मैथमेटिकली कैलकुलेट करके देख लीजिए ये एंगल भी थीटा होगा, ऊपर ये बी बाय टू साइन थीटा हो जाएगा। ओके और इसी तरह से इस एंड को भी मिला लीजिए एक्सिस से, वर्टिकली अपोजिट एंगल ए भी थीटा होगा, यहाँ से ए भी बी बाय टू साइन थीटा हो जाएगा। दो फोर्सेस लग रहे थे, टॉर्क यहाँ भी दोनों क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज होगा, दोनों अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो नेट टॉर्क टाउ इज इक्वल टू टाउ वन प्लस टाउ टू। इस केस में आप पहले वाले में क्या करेंगे, बी बाय टू साइन थीटा एफ वन का वैल्यू आई एल बी, प्लस दूसरे वाले में बी बाय टू साइन थीटा, और यहाँ पर भी फोर्स आई एल इंटू बी। यहाँ से आप देख लीजिए आपका जो कैलकुलेशन होगा आई एल बी कैपिटल बी साइन थीटा, मतलब यहाँ से आई इंटू ए इंटू बी साइन थीटा। ओके इसको आप एम बी साइन थीटा भी लिख सकते हैं, और ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड दे दिया। अगर आपको इसका डायरेक्शन भी चाहिए तो वेक्टर फॉर्म में लिख लीजिए, वेक्टर फॉर्म में टाउ वेक्टर इज इक्वल टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मिलेगा। ओके सो यहाँ पर बातें हो गई टॉर्क ऑब्टेन करने की, यही टॉर्क का आपको फाइनल एक्सप्रेशन होगा। अब अगर यहाँ पर टॉर्क के टेंडेंसी की बात करेंगे तो टॉर्क हमेशा एक टेंडेंसी में रहेगा कि करंट लूप को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब थीटा को वो जीरो कर दे, थीटा को जीरो कर दे मतलब लूप को परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड कर दे, और
यहाँ से आप ये भी कोशिश कर सकते हैं कि टॉर्क मिनिमम क्या होगा। तो टॉर्क मिनिमम होने के लिए तो थीटा जीरो होना चाहिए। थीटा जीरो हुआ तो उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम में बोलते हैं। अगर थीटा आप 180 कर देंगे तब भी टॉर्क जीरो होगा, और टॉर्क को अगर मैक्सिमम करना है तो थीटा को 90 ले लेंगे।